सर, तिवारी सर और दुर्गेश सर, महेश सर, सभी लोग उपस्थित हैं और आप सभी प्रबुद्ध जन उपस्थित हैं। आज इस युवा दिवस के अवसर पर, चूंकि हमारे अध्यक्ष महोदय को शीघ्र ही जाना भी है कहीं, इसलिए सर्वप्रथम मैं उन्हीं से आग्रह करूंगा कि वह दो शब्द जो है हमारे बीच रखें। जो है
तो सामने एक नाग जो है, नाग उनके सामने आके कुंडली मार के बैठ गए। तो विवेकानंद जी बोले, जो अभी तो मैं ध्यान ही कर रहा हूं, और छोटे की बात है, जब छोटे थे वो कहे कि जो अभी तक तो मैं ध्यान कर रहा हूं, अभी तो कुंडली की ओर जाना बाकी आगे की, तो अभी तुम क्यों कुंडली मार के मेरे सामने बैठ गए नाग को बोलो। तो नाग उनकी बात सुन के वो धीरे धीरे वहां से चला गया। कहने का मतलब उनका ये था, अभी मैं इनिशियल स्टेज में, अभी ध्यान कर रहा हूं, कुंडली का योग तो मैं बाद में सीखूं और उस तरफ मैं आगे बढ़ूंगा। तो विवेकानंद से जुड़ी हुई अनेक कहानियां हैं। एक हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय शिक्षक थे, उनके संबंध में बड़ा रोचक सुनाए। जब वो धर्म संसद में गए तो वो लगभग 1.5 साल पहले वो शिकागो अमेरिका पहुंच गए थे, ये 1.5 महीने पहले। तो वहाँ इंडिया के जो थे तो वहाँ ब्लैक और व्हाइट का एक तफरका रहता है हमेशा, तो इनको ब्लैकिश करके लोग किराया करते थे। तुम कैसे आ गए, उनको कुछ जानता नहीं है, और सारे लोग वहाँ सूट बूट में रहा करते थे। तो उस धर्म संसद में भी सब लोग सूट बूट में बैठे हुए, और इनकी जो पर्सनालिटी थी, एक तो नाट्यकार के थे और दूसरा इनका जो वेशभूषा था वहां के लिए अजीबा था। तो वो जब बैठे तो उनको अपमानित करने के लिए उस धर्म संसद में गीता को क्या किया गया, वो सबसे नीचे रख दिया गया और बाइबल को सबसे ऊपर रख दिया गया। एक उसको तो जब ये देखे उस चीज को, जब इनको वो कहने की बात आई, तो एक ही शब्द कहते हैं जो सबको मैंने अपमानित कर, मैंने सबको सबसे ऊपर वाली बात है, इट्स फाउंडेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एक लाइन कितनी मजबूत हो सकती है, वो कितना ऊंचा धर्म हो सकता है। तो वो किसी भी चीज को अलग पॉजिटिव वे में ही वो लिया करता है।